एक बार एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते उसे प्यास लगी तो उसने सोचा क्यों ना नदी में पानी पिया जाए। जैसे ही लोमड़ी नदी में पानी पीने लगी वहाँ पर एक मगरमच्छ छुपा बैठा था। मगरमच्छ ने लोमड़ी को देखा तो उसके मुँह में पानी आ गया। वो चुपके से उसके पास आया और उसने लोमड़ी का पैर पकड़ लिया। लोमड़ी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। उसको दर्द बहुत हो रहा था मगर वह हंसते हुए बोली, अरे मगरमच्छ भाई क्या बात है, आजकल आपको खाना नहीं मिलता क्या जो आप लकड़ियाँ खाने लगे हो। उसकी बात सुनते ही मगरमच्छ को लगा कि क्या सच में उसने लकड़ी मुँह में डाली है। उसने झट से अपना मुँह खोला और वह देखने लगा। तभी लोमड़ी ने अपना पैर हटा लिया और वह वहाँ से भाग गई और हंसते हुए बोली, मगरमच्छ भाई तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। मगरमच्छ को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह अगले कई दिनों तक उस लोमड़ी का उस पानी में आने का इंतज़ार करता रहा। उसे लगा कि जब भी लोमड़ी यहाँ आएगी तो इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा, मगर लोमड़ी वहाँ कभी नहीं आई। तो मगरमच्छ थक हार कर लोमड़ी को ढूंढने उसकी गुफा में गया और उसकी गुफा के अंदर जाकर छुपकर बैठ गया। जैसे ही लोमड़ी अपनी गुफा पे आई तो उसने देखा कि गुफा में पैरों के निशान है जो अंदर तो जा रहे हैं मगर बाहर नहीं आ रहे हैं। लोमड़ी बहुत चलाक थी, वह बोली, अरे गुफा बहन क्या बात, आज तुम मुझे आवाज़ नहीं दे रही हो। हर बार तो तुम मुझे कहती थी कि प्यारी लोमड़ी अंदर तो आओ। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि यदि वह आवाज़ नहीं लगाएगा तो लोमड़ी चली जाएगी। मगरमच्छ बोला, अरे अरे लोमड़ी बहन कहाँ रह गई, जल्दी आओ, आज तुमने आने में बड़ी देर कर दी, तुम्हारी गुफा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लोमड़ी इतना सुनते ही समझ गई कि अंदर मगरमच्छ बैठा है जो उससे बदला लेना चाहता है। लोमड़ी बोली कि मगरमच्छ भाई तुम पे ज़रा भी अकल नहीं है, क्या गुफा कभी बोलती है, तुम इस गुफा के अंदर ही बैठे रहो और मैं दूसरी गुफा ढूँढने जा रही हूँ। लोमड़ी वहाँ से चली गई और मगरमच्छ अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया। देखा दोस्तों, लोमड़ी ने कैसे अपनी समझदारी से दो बार खुद को बचाया। इसलिए कहते हैं कि समझदार होना बहुत ज़रूरी है।